अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 17 के बारे में, जिसके से 17 सी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है कि टेंजेंट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल। यानी आपको टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करना है, एक सर्किल आपको गिवन है। सर्किल की इक्वेशन क्या गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 और इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, 60 डिग्री है, टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं सर्किल को ड्रॉ करूं, तो ये मान लीजिए आपका एक सर्किल आपको गिवन है और ये आपकी टेंजेंट लाइन है। इस टेंजेंट की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है और ये इंक्लाइंड आपकी किस पे है। ठीक है ना, आप ऐसे ले लो इसको, ठीक है, इसको मैं ऐसे ना लेके ऐसे ले लेता हूं। ये आपकी एक्स एक्सिस लाइन ले लो और ये टेंजेंट ले लो, ये लो, इसको लेता हूं मैं टेंजेंट। ये लाइन कौन सी आपकी, एक्स एक्सिस है और इसकी जो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जो थीटा की वैल्यू वो कितनी है, 60 है। ठीक है, अपन जानते हैं कि यदि थीटा आपका 60 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, स्लोप m, m की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, tan थीटा। तो m इक्वल टू कितना आ गया, tan 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, और √3। ये आपके m की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, चलिए, और ये सर्किल का रेडियस, और ये सर्किल का रेडियस है, तो ये क्या आपकी, ये सर्किल का सेंटर और ये सर्किल की रेडियस, इसका मैं कंपेयर करूं दोनों, यानी कंपेयर करूं इस इक्वेशन के साथ में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए आपका क्या है, रेडियस है, तो रेडियस की जो वैल्यू आपकी आई है, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए को अपन यानी रेडियस आर को मैं लिख सकता हूं क्या, ए, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 का स्क्वायर है तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ए की वैल्यू ये आ गई, एम की वैल्यू ये आ गई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपन जानते हैं, मैं लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसका फॉर्मूला अपन डिस्कस करके आए, डायरेक्ट आपको यूज करना है। क्या इक्वेशन है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, चलिए, यहां पे आपकी m की वैल्यू कितनी है, √3 x प्लस माइनस ए की वैल्यू 5, रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, तो 3 आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू √3 इंटू एक्स प्लस माइनस 5 इंटू 3 प्लस 1 कितना आपका, 4 का स्क्वायर रूट कितना, 2। और इसी को मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू √3 इंटू एक्स प्लस माइनस 10। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, चेक करना जरूरी है, चेक जरूर करेंगे अपन। ठीक है, यही आपका आंसर है। करते हैं इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है, इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, ये रब कर देता हूं, देखो सेकेंड पार्ट में आपको जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 7 इंक्लाइड एट द एंगल 45 टू द x एक्सिस। यानी ये जो एंगल आपका कितना है, 45 है, और आपको इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो ये कितना है, 45 है।
ठीक है। तो देखो स्लोप की वैल्यू तो आ गई यहां से, इसकी वैल्यू आप 45 पुट कर दो तो ये 45 डिग्री, और टेन 45 की वैल्यू कितनी 1। अब मैं बात करूं, अपन बात करें इस इक्वेशन से रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर इक्वल टू ए होता है, ठीक है ना, आर इक्वल टू ए होता है। तो मैं बात करूं कि इक्वेशन आपको जो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सेवन, इसी को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, इस एक्स के कोफिशिएंट का हाफ कितना 1, 1 की स्क्वायर को एक बार ऐड कर दो और इधर भी आप 1 के स्क्वायर को ऐड कर दो, और फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस टू वाई, वाई का हाफ यानी कोफिशिएंट का हाफ करो, 2 का हाफ कितना 1, 1 के स्क्वायर को इधर ऐड कर दो और इधर भी आप ऐड कर दो, ये इतनी वैल्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, इसी वैल्यू को मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं मैं y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 1 प्लस 1 कितना 9, और 9 को लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर। इसका आप कंपेयर करोगे किसके साथ में, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के साथ में, तो h कॉमा k की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, यहां से वैल्यू आएगी माइनस 1 कॉमा माइनस 1, ठीक है ना, देखो यहां पे प्लस है यहां पे माइनस है, तो h की वैल्यू माइनस 1 आएगी, और यहां से भी आपका माइनस है तो माइनस k की वैल्यू कितनी आपकी 1, तो k की वैल्यू माइनस 1। अब मैं रेडियस की बात करूं, रेडियस कितना आएगा आपका, आर स्क्वायर की वैल्यू 3 का स्क्वायर है तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 3, और ये वैल्यू किसकी आपकी a, स्लोप की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू आ चुकी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन अपन जानते हैं वो लिखी हुई है, उसी के अंदर मैं सारी वैल्यू पुट कर दूं तो आपका आंसर देखो क्या आएगा, चलिए देखिए वाई इंटू इसकी वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस माइनस ए की वैल्यू आपकी 3 है, रूट ऑफ 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इसी को मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 3 इंटू रूट 2, ये लिख सकता हूं, ये y इधर आएगा तो x माइनस y प्लस माइनस 3 इंटू रूट 2 इक्वल टू 0, ये आपके टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, आप इतना भी एग्जाम में लिख के आओगे तो भी सही है, और ये आपकी बुक के अंदर आंसर आपको गिवन है, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। करते हैं डिस्कस इसके सेकंड पार्ट को, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसका सेकंड पार्ट में डिस्कस करो, तो देखिए सेकंड पार्ट, चलिए सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, सेकंड पार्ट नहीं आपका थर्ड पार्ट है, सॉरी देखिए, इसका थर्ड पार्ट आपको क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में आपको एक सर्किल की इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है, सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान से देखना अच्छा क्वेश्चन है, चलिए मेकिंग ए ट्राइंगल ऑफ एरिया ए स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना गिवन है ए स्क्वायर गिवन है, चलिए ठीक है, विद द एक्सेस यानी एक्सेस से दो ट्राइंगल आपको गिवन है, वो आपको ट्राइंगल का एरिया गिवन है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो आप फाइंड आउट करना सीखे होंगे, यदि मेरे पास में स्लोप की वैल्यू आ जाए इस ए की वैल्यू आ जाए सारा काम हो जाएगा और इक्वेशन आपकी यहां से आ जाएगी, तो फाइंड आउट करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं एक बार, चलिए देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले जो सर्किल आपको गिवन है उस सर्किल का जो सेंटर पॉइंट है वो 0.0 है, और जो रेडियस की भी बात करूं, रेडियस की बात करूं मैं, आर की बात करूं वो कितनी है ए है, चलिए ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सर्किल, इसका सेंटर ओरिजिन पॉइंट पे लाई कर रहा है आपका, तो ये लाइन तो हो गई एक्स एक्सिस और ये लाइन हो गई वाई एक्सिस, ठीक है ना, समझना आराम से,
और ये रेडियस हो गई आपकी ए, और ये आपका ओरिजिन पॉइंट 0.0, ओ पॉइंट हो गया ओरिजिन पॉइंट। इस पॉइंट को ले लेता हूं मैं ए और इस पॉइंट को ले लेता हूं मैं बी, ठीक है, इस पॉइंट को ले लेता हूं मैं सी। ध्यान से देखना, इस लाइन पे वाई की वैल्यू जीरो होगी और इस वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो होगी। अगले ने बोला है कि जो सर्किल आपका बन रहा है एक्स एक्सिस से, यानी जो ट्राइंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए स्क्वायर, वो एक्सिस से बन रहा है, यानी जो इन दोनों एक्स का यूज करके, तो इन दोनों एक्स का यूज करके देखो, एक तो ये ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, एक ये वाला ट्राइंगल बनेगा, एक ये वाला ट्राइंगल बनेगा और एक ये वाला ट्राइंगल बनेगा और एक ये वाला, तो चार कंडीशन बनेगी यहां पे। अब चारों में से कौन सी पॉसिबल कंडीशन होगी उसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप जानते हो, स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ के आए हो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी, एम एक्स प्लस में सी, ये लाइन होती है। यदि मैं इस लाइन का पॉइंट फाइंड आउट करूं तो y की वैल्यू इसमें आप जीरो पुट कर दीजिए, जीरो में पुट करो तो जीरो इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी, तो x एम एक्स प्लस में सी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस सी अपॉन में m। अब नेगेटिव वैल्यू x एक्सिस की किधर होगी, इधर होती है, तो ये पॉइंट होगा आपका, ये पॉइंट देखो x, यानी ये पॉइंट कितना होगा, x की वैल्यू तो आपकी माइनस सी अपॉन में m आ जाएगा और इसकी y की वैल्यू जीरो आ गई। अब मैं इस लाइन की बात करूं, या तो पॉइंट यहां पे होगा या यहां पे होगा, अब होगा कहां पे वो देखो, यदि मैं x इक्वल टू जीरो पुट कर दूं तो x इक्वल टू जीरो यहां पे आप पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, c, पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो पॉजिटिव यहां पे होगा, तो ये पॉइंट कितना हो गया आपका 0, c। अब जो दोनों एक्सिस से मिलके जो ट्राइंगल आपका मिलेगा, मैं दूसरा मार्कर यूज कर देता हूं रेड, देखो ये आपका ट्राइंगल मिलेगा आपको, इस ट्राइंगल का एरिया आपको गिवन है, इस ट्राइंगल का एरिया कितना गिवन है आपको, कितना एरिया गिवन है आपको, देखो ए स्क्वायर गिवन है, ठीक है, ध्यान से समझना, ए स्क्वायर आपको गिवन है और आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ये टेंजेंट ये लीजिए, ठीक है, तो एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ए की नहीं, ए की वैल्यू तो है ना, ए रेडियस की वैल्यू तो है, ए तो है, देखो ए ही है, एम की वैल्यू और सी की वैल्यू आप फाइंड आउट करके यहां पे पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल देखना ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल टू हाफ इंटू मोड ऑफ एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू में पुट कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा, ये वैल्यू एक्स वन, ठीक है, छोटा छोटा रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये वैल्यू एक्स टू और वाई टू और ये जो जीरो कोमा जीरो एक्स थ्री कोमा वाई थ्री, वैल्यू में पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू तो आपकी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ मोड ऑफ एक्स वन की वैल्यू कितनी है जीरो, जीरो के साथ में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो जीरो आ जाएगा, आगे मैं चीज चलो एक बार मैं लिख देता हूं, वाई टू की वैल्यू कितनी है जीरो, जीरो माइनस वाई थ्री की वैल्यू जीरो, फिर प्लस एक्स थ्री की वैल्यू कितनी है माइनस सी अपॉन में एम इंटू वाई थ्री की वैल्यू कितनी है जीरो, जीरो माइनस वाई वन सी प्लस एक्स थ्री की वैल्यू कितनी है जीरो, वाई वन की वैल्यू कितनी है सी और सी माइनस वाई टू, वाई टू कितना आपका जीरो, ये लीजिए, यहां से मैं ए स्क्वायर की वैल्यू, ये तो टू इधर मल्टीप्लाई होगा तो टू इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, ये पूरा जीरो और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मोड ऑफ सी स्क्वायर अपॉन में एम आ गई वैल्यू, ठीक है, यहां से मैं लिख सकता हूं, इसको आप हटाओगे तो टू इंटू ए स्क्वायर, मॉडुलस को आप हटाओगे तो प्लस माइनस सी स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर, इसी को मैं लिख सकता हूं सी स्क्वायर इक्वल टू, ना प्लस माइनस इधर लगा दीजिए आप, एक ही बात है वैसे तो, और तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस टू इंटू ए स्क्वायर इंटू एम, ये वैल्यू आ गई सी स्क्वायर की, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए, ठीक है, एक कंडीशन तो आ गई आपकी,
एक दूसरी कंडीशन में इस टेंजेंट के लिए फाइंड आउट कर लेता हूं। इस टेंजेंट की इक्वेशन आप जानते हो, ये लिखी पड़ी है यहां पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म तो यही होती है, ठीक है। तो इस टेंजेंट की आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी, ये वाली, ठीक है ना। इस ओसी को फाइंड आउट करें, ठीक है ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ओ, ओ के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0.0। तो फॉर्मूला आप जानते हो कि डिस्टेंस d इक्वल टू मोड ऑफ a इंटू एक्स वन प्लस बी इंटू वाई वन प्लस सी अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। देखो इस लाइन को मैं क्या लिख सकता हूं, इस लाइन को मैं लिख सकता हूं mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये लाइन बनी है। इस लाइन के अंदर x की वैल्यू आपकी 0 है और y की वैल्यू भी आपकी क्या है, 0 है। ये वैल्यू पुट करके वहां पे लिख दीजिए आप, क्योंकि इस पॉइंट से अपन पुट करेंगे ना, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आपको 0 पुट करना है। और d की वैल्यू क्या है, ये d और ये कितना आपका रेडियस a है, तो a इक्वल टू मोड ऑफ ये वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 0 प्लस सी अपॉन में ये कितना आएगा, देखो ध्यान से, इस x का कोफिशियंट तो आपका कितना है m, तो m का स्क्वायर, और y का कोफिशियंट कितना है माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर कितना प्लस वन, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं a इक्वल टू c अपॉन में, इस मॉडुलस को आप हटाओगे तो प्लस माइनस a, और ये रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं सॉरी वन प्लस एम स्क्वायर, ये पूरी क्वांटिटी इधर मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी क्वांटिटी इधर मल्टीप्लाई होगी, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी c की, c की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस a इंटू रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, समझ गए होंगे आप, अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं बात करूं इसका स्क्वायर फाइंड आउट करूं, तो स्क्वायर देखो, स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है ना, इसका तो स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आ गई आपकी वन प्लस एम स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, ठीक है भाई, इतना आप समझ रहे होंगे, और ये आपका काम का नहीं है। अब मैं इसको एक बार रब कर देता हूं, आप ध्यान से इसको नोट डाउन करना, ठीक है, देखो, ठीक है, कर देता हूं, देखो समझ गए होंगे आप, और ये भी आपका काम का नहीं है, इतना अपन काम नहीं लेंगे, बस तो हो गया। चलिए अब आप इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो मैं लिख देता हूं छोटा सा नाम कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल होगी, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस, कितना आएगा प्लस माइनस टू इंटू ए स्क्वायर एम, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, वन प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस टू एम, ये वैल्यू आ गई। चलिए ये वैल्यू आ गई तो केस बनेंगे यहां पे, केस फर्स्ट के अंदर यदि मैं पॉजिटिव साइन ले लू तो वन प्लस एम स्क्वायर और इक्वल टू में प्लस का 2m, 2m इधर आएगा तो वैल्यू आ गई आपकी m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसी को मैं लिख सकता हूं m इक्वल टू m माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m इक्वल टू 1 आ गया। केस सेकंड की मैं बात करूं, केस सेकंड की मैं बात करूं तो केस सेकंड में देखो, के सेकंड के अंदर नेगेटिव साइन ले लीजिए तो वन प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस का टू एम, इसी को मैं लिख सकता हूं एम स्क्वायर प्लस टू एम और प्लस में वन इक्वल टू जीरो, और इसी को मैं लिख सकता हूं एम प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो एम की वैल्यू कितनी हो गई माइनस वन हो जाएगी। यानी सीधी सी बात यही है कि इस एम की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस वन आ गई, तो m की वैल्यू तो अपन फाइंड आउट कर ली, अब c की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। c की वैल्यू कहां से आएगी कि पुट द वैल्यू ऑफ, पुट
एम इक्वल टू प्लस माइनस वन इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर लो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो वैल्यू सी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस टू इंटू ए स्क्वायर इंटू प्लस माइनस वन, ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। तो c की वैल्यू देखो, ये प्लस से प्लस माइनस से माइनस, तो वैल्यू आ गई टू ए स्क्वायर। ठीक है भाई, ये समझ गए होंगे। तो c की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस, c की वैल्यू कितनी आएगी, इधर स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस, और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो टू, और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ए स्क्वायर। तो सी की वैल्यू आपकी ये आ गई। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे अच्छे से। अब अपन इक्वेशन जानते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना, अभी भी लिखी थी मैंने, इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होती है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी। तो वाई इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस एक्स, और सी की वैल्यू कितनी है आपकी, प्लस माइनस रूट टू इंटू ए, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना, ठीक है, चेक कर लेता हूं एक बार में। y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस ए इंटू रूट, है ना, ठीक है ना। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस ए इंटू रूट टू, ये आपकी इक्वेशन की यानी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, इसकी इक्वेशन आ जाएगी इसकी। ठीक है, समझ गए होंगे आप अच्छे से। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, डायग्राम आप हर क्वेश्चन के अंदर बनाना है, मैं यहाँ पे आपको बना के रिप्रेजेंट करवाएंगे सारा। तो करते हैं डिस्कस इसका फोर्थ पार्ट, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका फोर्थ पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखो, इसका फोर्थ पार्ट की मैं बात करूं तो फोर्थ पार्ट क्या होगा इसका, फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है, क्या गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू ट्वेल्व, एंड ये तो सर्किल की इक्वेशन आ गई, तो ये लीजिए सर्किल, इसकी इक्वेशन ये गिवन है। और अगले ने ये बोला है पैरेलल टू द लाइन, यानी एक लाइन आपको ये गिवन है, ये तो टेंजेंट होगी, और इसी टेंजेंट के साथ में एक पैरेलल लाइन और गिवन है। ये लाइन कितनी गिवन आपको, 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये सर्किल का सेंटर पॉइंट। ठीक है, और आपको टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, किसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ये वाली इक्वेशन की फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखना, ये वाली लाइन यानी ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, तो आपको बताया हुआ है कि किसी लाइन के, मान लीजिए ये लाइन इसके पैरेलल आपको फाइंड आउट करना है, तो ये दो टर्म तो सेम ही आएगी ना। ठीक है ना, आपको बताया हुआ है, ध्यान से देख लेना, स्ट्रेट लाइन के अंदर डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ये कांस्टेंट वैल्यू चेंज आएगी, इस कांस्टेंट वैल्यू का आप लैम्डा ले लीजिए और इक्वल टू में जीरो। ठीक है, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, ये इक्वेशन मिलेगी, इस लैम्डा की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से, ये क्या आपकी और रेडियस है, तो ये क्या आपका C पॉइंट है, और ये पॉइंट में ले लेता हूं P, और ये आपकी रेडियस, और ये रेडियस ही किसकी इक्वल होगी, A की इक्वल होगी। ठीक है, आपको इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखना, जो सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू में ट्वेल्व, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, सिक्स एक्स का हाफ करो, सिक्स का हाफ करो, थ्री, थ्री का स्क्वायर एड कर दीजिए, और थ्री का स्क्वायर आप इधर भी एड कर दीजिए, फिर वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई, फोर का हाफ कितना टू, टू का स्क्वायर इधर एड कर दो और इधर भी एड कर दो, यहां से वैल्यू मिल जाएगी आपको एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ओपन करना, ये वाली पूरी क्वांटिटी मिल जाएगी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वाई प्लस टू का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं 25, और 25 को 5 का स्क्वायर, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, कौन सी में, ठीक है ना, इस इक्वेशन से कंपेयर करवा दीजिए, x माइनस x माइनस h का होल स्क्वायर
वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इससे मैं कंपेयर कराऊं तो एच कॉमा के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 3-2 मिल जाएगी। आर रेडियस, रेडियस यानी ए, ए भी तो रेडियस है, और इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 5 मिल गई। यानी इस पूरे की वैल्यू तो 5 मिल गई, और ये जो सेंटर पॉइंट है वो मिल गया 3-2। ठीक है, अब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यहां पे यूज करूं तो ध्यान से देखो, डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस सीपी चाहिए आपको। देखिए ध्यान से, ठीक है ना, लिख देना परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, टेंजेंट की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट सी। तो सी से जो डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है उसके लिए अपन फॉर्मूला जानते हैं डिस्टेंस का। कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, ये जानते हैं कि मोड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला, सीपी की वैल्यू कितनी है 5, इक्वल टू मोड ऑफ ये इक्वेशन कितनी है 4 एक्स प्लस 3 वाई प्लस लैम्डा अपॉन में एक्स का कोपिशियंट कितना 4, 4 का स्क्वायर प्लस वाई का कोपिशियंट कितना 3 का स्क्वायर। ये मॉडुलस। अब इस पॉइंट से आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, y की वैल्यू कितनी है आपकी -2 है। ये लीजिए, इसी को मैं लिख सकता हूं 5 इक्वल टू ये कितना आपका 12 माइनस 6 प्लस लैम्बडा अपॉन में ये 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर कितना 9, 16 प्लस 9 कितना 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना 5। इसी को मैं मॉडुलस को उठाऊं तो प्लस माइनस 5 इक्वल टू यहां से कितना 6 प्लस लैम्बडा अपॉन में 5, 5 इधर आएगा तो प्लस माइनस 5 यानी 25 प्लस माइनस 25 इक्वल टू 6 प्लस लैम्बडा। ठीक है, अब देखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट की बात करूं तो पॉजिटिव साइन ले लीजिए, तो 25 इक्वल टू 6 प्लस लैम्बडा, तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई 25 माइनस 6, तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई आपकी 19। लैम्बडा की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दोगे तो आपकी जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो क्या मिली, 4x प्लस 3y प्लस 19 इक्वल टू 0। तो एक टेंजेंट की इक्वेशन तो ये आ जाएगी। दूसरी टेंजेंट की इक्वेशन में फाइंड आउट करूं तो केस सेकंड की बात कर लीजिए, सेकंड में कितना माइनस 25 ले लीजिए, नेगेटिव साइन ले लीजिए आप, और ये 6 प्लस में लैम्बडा, ये 6 इधर आएगा तो माइनस 25 माइनस 6 इक्वल टू लैम्बडा, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी माइनस का 31। इस 31 को आप लैम्बडा की जगह पुट कर दोगे तो आपकी इक्वेशन मिलेगी 4x प्लस 3y और ये माइनस का 31 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। समझ गए होंगे आप, ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आया होगा आपको, नहीं आया तो भी समझना आप, ठीक है ना, बार बार रिपीट करोगे तो समझ में आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होगा सर्किल में, इस सर्किल के चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है ना। तो ये सारा अपन पढ़ के आए हैं, स्लोप पढ़ के आए हैं, दो स्लोप का मल्टीप्लाई पढ़ के आए हैं कि दो लाइन आपकी परपेंडिकुलर गिवन है तो उन दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लाई -1, पैरेलल की कंडीशन में होता है तो स्लोप का जो स्लोप की कंडीशन वो इक्वल होती है। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कहां से, कि एक पॉइंट गिवन है उस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी उसका फॉर्मूला अपन पढ़ के आए हैं। करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका सेम ही है और करते हैं, देखो सेम ही है बस कंडीशन चेंज हो रही है थोड़ा सा, ठीक है। कंडीशन क्या चेंज हो रही है देखो, ठीक है ना, पीछे वाला आंसर तो आ गया ना प्लस 19 और माइनस, ठीक है भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आप डिस्कस करते हैं, आपको सर्किल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22 एक्स माइनस 4 वाई
प्लस का 25 इक्वल टू जीरो एंड परपेंडिकुलर टू लाइन, ठीक है, ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट की एक परपेंडिकुलर लाइन है, ऐसे ले लो, ये लाइन है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बनाना है तो कैसे बना दो, बस ये परपेंडिकुलर लाइन है। चलिए ये लाइन कितनी है आपकी, ये वाली लाइन 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये लाइन आपकी, ठीक है, ये चेंज होगा पूरा, ये भी आपका चेंज होगा। चलिए ध्यान से देख लो, सबसे पहले तो इस टेंजेंट लाइन का काम करते हैं। देखो ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो आपको बताई है कि ये जो कोएफिशिएंट यहां पे लाइए और ये वाला कोएफिशिएंट यहां पे लाइए, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 12x और 5y और प्लस में क्या लगा दो, लैम्डा इक्वल टू में क्या लगा दो, जीरो, और यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस हो जाएगा, यहां पे माइनस होता है यहां पे प्लस हो जाएगा, तो ये लाइन आपकी कौन सी आ जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, मैंने इसी को कर दिया क्या, इसकी इक्वेशन आ जाएगी इसकी, ठीक है। अब आपको इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, यानी लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सर्किल की रेडियस फाइंड आउट करते हैं, सेंटर फाइंड आउट करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो आपकी सर्किल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना, चलो एक बार लिख देता हूं मैं, 22x माइनस 4y प्लस 25 इक्वल टू जीरो, इसी को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 22x, इस x की कोफिशिएंट का भाग करोगे तो कितना 11, 11 के स्क्वायर को एक बार ऐड कर दो इधर, और इधर भी आप एक बार ऐड कर दो, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे ले लेता हूं, 11 का स्क्वायर यहां पे देखो बचा कौन है, वाई स्क्वायर माइनस का 4y, 4 का हाफ कितना 2, 2 का स्क्वायर ऐड कर दो और 2 का स्क्वायर उधर भी आप ऐड कर दो, ये लो इधर भी ऐड कर दो, ठीक है। चलिए ठीक है, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 11 का होल स्क्वायर, और यहां से क्या लिख सकता हूं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और उस वाली क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, 121 प्लस 4 125, 25 को इस दर में माइनस कर दूं तो ये माइनस 25, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 100, तो 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 11 का होल स्क्वायर वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, कंपेयर करेंगे इस फॉर्मेट के साथ में, तो आपका सेंटर h कॉमा k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11.2 आ जाएगी, रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू 10 आ गई, तो r की वैल्यू तो 10 और ये 11.2 आ जाएगा, ठीक है। आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, कौन सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम माय पॉइंट c, ठीक है, लिख देना आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट c, और इक्वेशन तो ये रही, और इसकी जो रेडियस यानी आपकी कौन सी, सीपी होगी, ये सीपी किसके इक्वल है, इस r के इक्वल है, आर कितना आपका 100 यानी सॉरी 10, और इक्वेशन कितनी आपकी ये रही, 12 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आपकी 11, माइनस 5 इंटू वाई कितना आपका 2, और प्लस में कितना है लैम्डा अपॉन में रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये लीजिए ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो ये तो 10 और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 132 माइनस ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 प्लस में कितना लैम्डा अपॉन में ये कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर कितना 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25, दोनों को आप ऐड करोगे तो वैल्यू आ गई 169 का स्क्वायर रूट आप जानते ही हो, तो ये तो वैल्यू हो गई 122 प्लस में लैम्डा अपॉन में 13 को मैं देखो सबसे पहले तो मॉडुलस को आप हटा दीजिए, इस मॉडुलस को मैं उठाऊंगा तो वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस 13 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 130 इक्वल टू 122 प्लस लैम्डा 20 इधर आएगा तो वैल्यू आएगी आपकी 130 माइनस का 122 इक्वल टू लैम्डा आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ठीक है ना, ध्यान से देखना यहां पे प्लस माइनस नहीं लगाया मैंने, तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा ना, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, प्लस माइनस आ गई। केस बनेंगे यहां पे, तो केस फर्स्ट को लेता हूं मैं,
केस फर्स्ट की मैं बात करूं तो पॉजिटिव साइन ले लीजिए आप, पॉजिटिव साइन लो तो 130 इक्वल टू 122 प्लस में कितना लैम्डा, यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी 130 माइनस 22 तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 8। यदि लैम्डा की वैल्यू 8 आ गई तो यहां पे मैं पुट करूं तो इक्वेशन कितनी मिलेगी 12x माइनस 5y प्लस में कितना 8 इक्वल टू 0, तो एक टेंजेंट की इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरे टेंजेंट की मैं बात करूं तो दूसरे टेंजेंट के अंदर साइन ले लो आप नेगेटिव, केस सेकंड पुटिंग यानी टेकिंग ए नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन ले तो माइनस का 130 इक्वल टू 122 और प्लस में कितना लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस 130 माइनस 122 तो लैम्डा की वैल्यू यहां से कितना आ गया माइनस का 252, ठीक है ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा की वैल्यू आ गई तो टेंजेंट कितनी मिल जाएगी आपको 12x माइनस 5y माइनस का 252 इक्वल टू 0, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है समझ गए होंगे आप अच्छे से, ठीक है टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो ये जो टर्म है दोनों सेम होगी, सेम नहीं सॉरी पैरेलल में सेम होती है, कोफिशिएंट को चेंज कर दिया मैंने और वेरिएबल को सेम रख लिया, जहां पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव होता तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब इक्वेशन जो चेक कर लेता हूं क्या क्या इक्वेशन आ रही है, फर्स्ट के अंदर ये आ रही है, सेकंड के अंदर ये इक्वल दिया हुआ है, ठीक है ना तो इक्वल लगा देता हूं ना, एक ही बात है, ये लो इक्वल लगा दो, इक्वल लगा दिए जीरो हट जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8th क्वेश्चन का 5th पार्ट कंप्लीट है और उम्मीद करता हूं आप बढ़िया से समझ रहे होंगे, ठीक है बस शेयर लाइक नहीं कर रहे हो आप, ठीक है तो आप करते रहिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9th अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।